राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि अपने हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रुवा लोग के स्वागत बा। काल सुनावल गए रहे कि के जी कहतने राजा दशरथ जी से कि रुवा खाली कहे नहीं, हमार दो गो संकल्प दो गो थाती के रूप में वरदान बा, वो अभी ले रुवा ना देनी। तो दशरथ जी बहुत भाव विभोर होके सुननी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाए। कि हम जोना कुल के हई वो रघुकुल ह, ओकर रीत हमेशा से चलल आ रहल बा कि जन बोल दिया लो पूरा कर जाए, भले ही प्राण चल जाओ बकिर वचन नखे जा सकत। और समझेनी कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ जैसन पाप कुछ ना होला। और हम झूठ नहीं की बोलत, सांच बोल रहल बनी, मांगा वरदान, कौन वरदान दुगो चाही। राजा दशरथ के मनोरथ का मनोरथ बा, मनोरथ रहे कि राम जी राजा बनस। वहां के मनोरथ के वर्णन गोस्वामी जी एगो पक्षी जैसन कहे। यहां केके जी के को भीलनी के रूपमा दे देनी है कि जैसे जंगल में भीलनी पक्षी के पकड़े खातिर बाज छोड़ देवेले, तो बाज केके जी के वाणी बा, दशरथ जी के मनोरथ खत्म हो रहल बा। बड़ा भाव से केके जी कहता नहीं, अब मन में बुझा गल कि जोन गुरु जी मंथरा कहले रली है कि जब तक क्रिया ना खास संकल्प ना लेस अपना कुल खानदान के, तब तक मत माने। रघुकुल के शपथ राजा दशरथ ले लेने, अब कहल जा सकता कि का चाहे। सुन हो प्राण प्रिय भावत जी, सुन भावत जी का, देहो एक बर भरत हिटिया, देहो एक बर भरत हिटिया, विशेष
अबही ले केकई जी बड़ा उदास दुखी रली है। जैसे वहां का संकल्प ले लेनी भाव बदल गया। तुरंत कहे लगनी कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रिय हमरा जी के भाव सुनी। देहु एक बर भरत ही टीका, एक वरदान तो ई दी कि हमरा भरत जी के राजगद्दी मिलो। मांगो दूसर बर कर जोरी, जब संकल्प राजा दशरथ ले 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 बनी तो कर जोड़ला के कोई जरूरत बा। समझ गए नहीं कि ना अब तो मिलवे करी तो बड़ा सरल हो गए। कहतनी कि मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरव नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ हमार मनोरथ पूरा करी, तो दूसर वरदान का मंगली। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तपस्वी के वेश होखो विशेष उदासी होखो, और राम जी के 14 बरिस के वनवास होखो। यह दूसरा वरदान मंगली। ये जैसे सुननी दशरथ जी, जैसे पानी के बिना मछली छटपटा ले वैसे ही मछली जैसन छटपटाए लगले, रोए लगले, चिल्लाए लगले कि का मांग ले लू तू, धन दौलत मांगला, कुछ और मांगला, बकर ई वरदान मत मांगा। जौन कहबू तौन हम देव, बकर राम जी हमार प्राण से प्रिय हुए। भले ही भरत जी का राज गद्दी मिल जा, बकर राम जी के वनवास काहे मांगता रहो, राम जी तहर का बिगड़ ले बने। बहुत अफसोस राजा दशरथ का होके लगल, पुका फार के रोए लगनी, जमीन पर गिर गईनी, बार बार कही कि कुछ और मांगला, भरत जी के राजगद्दी मांगला, बाकी राम जी के वनवास मत मांगा, वहाँ का हमार प्राण से प्रिय बानी, राम जी चल जाए तो हमार प्राण निकल जाए। रोए लगनी राजा दशरथ जी, बड़ा दुखद स्थिति वहाँ हो गई, बड़ा संकट की स्थिति आ गई। तो कह तरीके कह जी कि भरत की राव और पूत न होई, भरत जी राव और पूत न हुए, रोवा हमरा के किन के लिए बनी, ब्याह के नहीं के लिए आई, भरत जी राजा बनी है। अब राजा दशरथ से कुछ मुंह से निकलत नहीं के, एगो छोट विराम लिया था। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहे। सवेरे होत होत मुनि के वेश धके, राम जी बन जब तक ना जाइए। मोर मरण राउर अपजस, हमार मरण हो जाई, हम मर जाएं जहर खाके माहुर खाके। राउर अपजस हुई, रोरा कुल खानदान में जे संकल्प ले ले रहे पूरा कैलक, रोरा ये अपन वादा पूरा नहीं करत। बड़ा दुख के घड़ी आ गई, राजा दशरथ विलाप करे लगने, और वही जा जमीन पर पड़ल रह गए। भोर होता, राज्य में केहू का खबर निखे कि ऐसन दुर्घटना घट गई बा। सब लोग सजावट कैले बा, खुशी में बा, इंतजार में बा कि राम जी आज राजा बने। महल का द्वार पर भीड़ लागल बा, सेवक लोग के, सचिव लोग के, और सूर्य भगवान के उगला पर उलुग बतियाता लोग। पिछले पहर निरपनित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा, कि ब्रह्म मुहूर्त में जे राजा रोज जागत रहने हैं, आज अभिले सुतल बनी, ये बड़ा अचरज के विषय बा। सुमंत जी जातनी पता लगावे, कोप भवन में जाके स्थिति बड़ा दुखी भईनी। केके जी कनी के सुमंत जी रउआ से काम ना होई, राम जी के भेजी। राम जी कभी केहू के दुख वहां का ना देख ले रहे, गुरुकुल में रहनी तो आनंद ही आनंद रहे, ओकरा बाद कभी दुख के मौका उनका ना मिलल। यहां ऐनी करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणा संवेदनशील राम जी के स्वभाव रहे,
आते ही अपना पिता श्री के ये हालत देखनी तो बहुत दुखी हो गई और पूछत अनी अपना माई से केकई जी से कि पिताजी के दुख के कारण का बा। सुनो जननी सोई सुत बड़ भाई, सुनो जननी सोई सुत बड़ भाई, जो पितु मातु बचन अनुराई, जो पितु मातु बचन बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी आनी पिताजी के धरती पर पड़ल देख के बहुत दुखी हो गईनी, आंख से लोर गिरे लागल और कहनी सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता, वो पुत्र बड़ भागी होला जे माता पिता के वचन के पालन करेला, माता पिता के आज्ञा के अनुसार चलेला। रवा बताई हमरा पिताजी के दुख के कारण का बा। मही कहूं मात तात दुख कारण, तात के दुख के कारण का बा। हम कोशिश करें जतन करें कि दुख दूर हो जाओ। तो बतैली कि हम दुगो वरदान मंगले रनी है। वो वरदान में एगो वरदान रहल है कि भरत जी का टीका मिलो और तहरा वनवास सुखो। इस सुन के राम जी बहुत खुश भइले कि प्राण प्रिय भरत पाव ही राजू, हमार प्राण प्रिय भरत जी का राज्य मिली, विधि सब विधि सन्मुख आजू, विधाता हमरा अनुकूल हो गेल बनी। आज एगो विराम लियाई, फिर कथा आगे चली। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम वन में जाए ऐसे अच्छा काम और का हो सकता। वन में मुनि लोग से मिलन हुई, संत दर्शन हुई,
और ओहू में भरत जी हमरा खातिर प्राण प्रिय बानी। भरत जी का राज्य मिली तो ऐसे बड़ खुशी का हो सकता। हम तो पहले ही दुखी रहनी है कि विमल वंश यही अनुचित एको, ये वंश में यही एगो अनुचित बा कि सब भाई के छोड़ के हमरा राज्य मिलता। ये तो हमरे मन के बात हो गई। हम जोन चाहत रहनी है विधाता वह कर देनी। सब प्रकार से भगवान हमरा साथे बानी ऐसन राम जी कहतनी। और ओहू में माई के आदेश बा, पिताजी के सहमति बा, तो ऐसे बड़ और का हो सकता। राम जी कह रहल बानी, धन्य जनम जग तीतल दासु, धन्य जनम जग तीतल दासु, तीतहि प्रमोदो चरित सुनि जासु, तीतहि प्रमोदो चरित सुनि जासु, चारि पदारत कर राम जी खुश हो गए। कहतनी कि धन्य जन्म बाए जगती पर ओकर जे माता पिता खातिर कुछ करेला। चार पदार्थ करतल तासु, चारों पदार्थ ओकरा हाथ में होला, धर्म अर्थ काम मोक्ष जे माता पिता के सेवा करेला। एगो घटना याद पड़ गई। एगो माई बहुत गरीब रहे, बर्तन धो धो के अपना बेटा के पढ़ेलस, जूठ खा खा के अपना बेटा के पढ़ेलस। एक दिन में कितना घर में बर्तन धोए, अपने बिना खेले रह जाए अपना बेटा के पढ़ावे। बेटा पढ़त पढ़त शहर में गईले, डॉक्टर ही पढ़ले, डॉक्टर बन गईले। डॉक्टर बनला का बाद उनकर विवाह है वो डॉक्टर नी से हो गए। जब कमाए लगले शहर में घर किना गई तो माइयों के बुला ले ले अपना लगे, माई साथे रहे लगली। जब लोग आवे कोनो पार्टी होके तो माई से रहल ना जाए, लोग पूछे तो बता देस कि का बताई कितना जतन से हम अपना बबुआ के पढ़ेले बानी, कितना रात हम जागल बानी, एकर वर्णन नहीं हो सकत। हमार बबुआ पढ़ गए डॉक्टर हो गए, ये हमरा खातिर संतोष बा। जब ये सब बात बतावस माई तो जन उनकर पतोर अली डॉक्टर ने उनका बड़ा खराब लगी। एक दिन अपना पति से कहली कि हई बकवास बंद कराई अपना माई के, हई सब के उसे बताओ तरह तरीके बर्तन धो धो के पढ़ेनी, ढेर खर्चा कर देले बड़ी। तो बबुआ खिसिया गले माई पर, कहते रहे तू इतना बकवास करता रू, समाज में इज्जत हमनी के चल जाता, हमनी प्रतिष्ठित आदमी बानी सन। माई रोए लगली कि प्रतिष्ठित हो गई ला आज, वह बर्तन धो धो के हम पढ़ैनी आ तू आज प्रतिष्ठित हो गई ला, तो हमार बात प्रतिष्ठा पर खराब लगता। तो खिसिया के लड़का कहता कि जितना खर्चा के लिए बारू जोड़ के ले लो आ चल जा गाँव में रही। तो माई पुका फाड़ के रोए लगली, कहली कि बबुआ चल जाए गाँव में, जोड़ के हिसाब दे दीह, जितना रात जागल बनी ओकर हिसाब दीह।
जितना खून के दूध बना के पीले बनी ओकरो हिसाब दीह, 9 महीना गर्भ में रहला ओकरो हिसाब दे दीह। लड़का का बुझा गई, चरण में गिर के रोए लागल कि माई हमरा से गलती हो गई बा। ये धरती पर जे माता पिता के सेवा करेला वो धन्य बा। राम जी आज प्रसन्न बानी कि माता पिता के सेवा करे के आदेश पालन के अवसर मिलल बा। आज की कथा यही जा विराम ली, बिहान एकरा आगे कथा सुनावल जाई। भगवान नाम के कीर्तन कुछ देर हमरा साथे रहवा लोग करी। सीताराम कहो, 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 राजाराम 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 कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजाराम कहो, राजाराम कहो, राजाराम कहो, राजाराम कहो, सीताराम 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 कहो, राजाराम 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 कहो,